खबर दें आपको, साबिक गवर्नर मियां अजहर को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है ब्यूरो चीफ लाहौर सलीम शेख। सलीम शेख बताएगा। जी बिल्कुल, साबिक गवर्नर पंजाब मियां मोहम्मद अजहर को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके जो बेटे हैं अमान अजहर, उनकी तरफ से जो है सोशल मीडिया पर तस्दीक की गई है। मियां अजहर जो है वो 129वें उम्मीदवार के तौर पर जो है वो इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं और अमान अजहर का भी कहना है कि मेरे वालिद को जो है वो रैली निकालने पर जो है गिरफ्तार कर दिया गया है। वाजह रहे कि मियां अजहर जो है साबिक गवर्नर पंजाब के तौर पर जो है वो खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सलीम शेख, तफसीलात से आपने ना किया। खबर दें आपको, साबिक गवर्नर मियां अजहर को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है ब्यूरो चीफ लाहौर सलीम शेख। सलीम शेख बताएगा। जी बिल्कुल, साबिक गवर्नर पंजाब मियां मोहम्मद अजहर को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके जो बेटे हैं अमान अजहर, उनकी तरफ से जो है सोशल मीडिया पर तस्दीक की गई है। मियां अजहर जो है वो 129वें उम्मीदवार के तौर पर जो है वो इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं और अमान अजहर का भी कहना है कि मेरे वालिद को जो है वो रैली निकालने पर जो है गिरफ्तार कर दिया गया है। वाजह रहे कि मियां अजहर जो है साबिक गवर्नर पंजाब के तौर पर जो है वो खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सलीम शेख, तफसीलात से आपने ना किया।